नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम वाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज मैंने एक अच्छी लोकेशन ढूँढी है जो थोड़ी सी शांत मिल जाए मुझे, यहाँ हैदराबाद में मेरे घर के आसपास। तो यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर ये जंगल जंगल सा है जो थोड़ा सा ये फेंसिंग से प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये देखो, ये जो दो चीज़ है ना, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। हालांकि मैं एक ही निकाल रहा हूँ बाहर, दो नहीं निकाल लूँगा। मैंने दो लिए हैं। तो ये है भाई टायर लॉक। तो इस टायर लॉक को जो खोला जाता है वो खोलने के लिए, अभी ये लॉक है पूरा। मैं कैमरा थोड़ा और पीछे कर देता हूँ ताकि व्यू पूरा अच्छे से आए। तो ये जो है ये इस तरीके से, ये बहुत, एक तो बहुत मेटल का है, लोहे का है और बहुत हैवी क्वालिटी में है, सॉलिड क्वालिटी है बहुत। और इसके अंदर मैंने अपनी चाबी में ही लगाया हुआ है। ये जो मेरे पास चाबियां हैं, इस तरीके की चाबी होती है इसके अंदर, ये देख लो ऐसी चाबी होती है। और इसको इसमें लगाया जाता है ऐसे करके घुमाना है। नहीं, ये इसकी चाबी नहीं है, दूसरे वाले की चाबी है। जो चाबी भले एक जैसी दिखती हो लेकिन चाबी सबकी सेम नहीं होती, अलग होती है। देखो ये इसमें लगते के साथ ही खुल गई। अब खुल गई तो इसको ऐसे निकाल लेना है। इसको ऐसे निकालने के बाद ये ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे, ये देखो यहाँ फिटिंग के लिए बहुत सारे होल हैं, छेद हैं जो वो इसमें लग जाते हैं। ये जो है अंदर, ये अंदर की तरफ जो लोहा है इसके अंदर, ये इस तरीके से क्लिंप आती है और ये लग जाती है। अब मुझे दोबारा से खोलनी पड़ेगी क्योंकि खुलती चाबी से है, बंद तो बिना चाबी के होती है। तो अब चलो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपका अब मैं लगा के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से खोलना है, दोनों पार्ट्स को अलग करके और ऐसे करके टायर्स में लगा देना है। और टायर्स में लगाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इधर से दिखा देता हूँ। टायर्स में लगाने के बाद ये जो है इसको आप ऐसे करके बंद कर देंगे तो ये हो गया लॉक। अब ये देखो, अब ये हिलेगा नहीं। अब ये इसके अंदर चला गया यहाँ होल के अंदर और उधर से भी पूरा बंद हो गया है, कम्प्लीटली यहाँ से भी बंद हो गया। तो अब ये टायर लॉक हो गया। ये मोस्टली पुलिस वाले भी इसका बड़ा यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा। और अब इसको कुछ भी हो जाए अब ये हटेगा नहीं। ये दो लॉक मैंने इसलिए लिए कि ये दो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं कि एक लॉक यहाँ लगा दिया, एक अगले टायर में लगा दो। किस सिचुएशन में बताता हूँ कैसे। जैसे ये सामने दीवार है, अब इस दीवार के बराबर में हमें गाड़ी खड़ी करनी है। रोज़ हमें गाड़ी यहीं खड़ी करनी होती है, कभी भी खड़ी करनी है तो बराबर में दीवार है। तो दीवार की दो तरफ तो दो टायर आ गए परले वाले, और इधर के दो टायर्स जो बचे हैं इन दोनों टायर्स में, अगले और पिछले में लगा दो। ये क्या है, ये मैकेनिकल चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो इनको खोल पाना इतना ईजी नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा बेटर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से। आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ताला सबके पास है, लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इन्हें भी कोई नहीं खोल पाएगा, लेकिन दो हैं अगले में भी पिछले में भी तो प्रॉब्लम होगी। और इन दोनों प्रॉब्लम्स के बाद एक प्रॉब्लम और होगी, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसके बाद है हमारे पास भाई हमारा ये ब्रह्मास्त्र एक और, ये और मंगाया मैंने, और ये अमेजोन से मंगाया है। मैं इनके लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है, ये आप चाहे गियर में लगाओ, चाहे ये आप चाहे क्लच में लगाओ, चाहे ब्रेक में लगाओ। वैसे क्लच में लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको इसके लिए भी एक चाबी आएगी, ये मैं दिखा देता हूँ। ये चाबी है, जैसे हमारी नॉर्मल तालों की चाबी होती है वैसी ही है, थोड़ी बस थोड़ी सी अलग है। जैसी ये चाबी है ये इसके साथ आएगी, और इसका ताला ये है। तो जब आप इसको ऐसे बंद करेंगे तो ये बंद नहीं होगा। इसको बंद करने के लिए आपको ये चाबी लगानी पड़ेगी यहाँ पर। अरे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन ये है कि सोचो जब आपके पास चाबी है, ताला है, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो ये आपसे बंद होना इतना मुश्किल है या खुलना इतना मुश्किल है। तो जो बंदा इसको बिना चाबी के खोलेगा उससे कितना मुश्किल होगा। ये देखो ये बंद हो गया, अब इसको खोलना है
तो जस्ट सिंपल ऐसे अनलॉक करो और ये खुल जाएगा। अब इसको लगाना कैसे है, इसको सिंपल यहाँ से इसमें डाल दो लॉक में, और यहाँ से ऐसे करो और ऐसे करके चाबी घुमा के इसको लगा दो। ये लग गया ताला। अब ये यहाँ से ऐसे खुलेगा नहीं, यहाँ से कोई भी आएगा इस क्लच को दबा नहीं सकता हम यहाँ से, तो इस तरीके से करना है। हालांकि मैंने अभी ताला लगाया नहीं है, तो आप इससे ताले को लगाएं, क्योंकि अभी मैं लगाऊंगा तो इसको खोलना ही मेरे लिए बहुत अभी भारी हो जाएगा। अभी मैं रात को ही लगाता हूँ इसको तो, और जब खोलना हो इसे तो दोबारा से ऐसे चाबी डालें और चाबी डाल के फिर ये खुलेगा, तो फिर आप इसको खोल सकते हैं यहाँ से, और खोल के ऐसे निकालना पड़ेगा आपको इसको। सच में बहुत मेहनत वाला काम हो जाता है ये, आपको बहुत ऊपर नीचे बैठना पड़ेगा। थोड़े से जो थोड़े फैटी लोग हैं उनका फैट कम हो जाएगा, और दो फायदे होंगे, एक गाड़ी भी सेफ रहेगी, फैट भी कम होगा, एक्सरसाइज हो जाएगी सुबह शाम की, क्योंकि खोलने में भी बड़ी दिक्कत है और लगाने में भी दिक्कत आएगी। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और है, और वो चीज़ इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए आजकल, वो है ये है कैमरा, डी डी पाई का मोला N3 कैमरा है ये। और ये आगे देखो इस तरीके से कैमरा है, यहाँ पर ये ब्लिंकर है साइड में छोटा सा ये, अरे यार मेरे पास दो ही हाथ है, यहाँ पर ये छोटा सा ब्लिंकर है, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी जलाऊंगा तब आपको दिख जाएगा। और ये डी डी पाई की बैचिंग है, यहाँ से ये सेट होता है, इस तरीके से सेट करना पड़ता है, और इधर जो है इसमें SD कार्ड डलता है, तो आप इधर से मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं इसमें। मैं इसको एक बार गाड़ी के आगे बोर्ड पर रख लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखाऊंगा। इसमें आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं इधर से, ठीक है, और यहाँ से आपका माइक जो है वो काम करेगा। और इसको यूज़ करते हुए मुझे करीबन करीबन भाई ये लगा लो कि हो गए हैं करीबन 5-6 महीने हो गए इसे यूज़ करते हुए, और इसकी वीडियोस डे की भी और नाइट की भी, इसकी वीडियोस मैं मोस्टली अपने YouTube चैनल जो मेरा ट्रैवल चैनल है उस चैनल पर भी मैं डालता हूँ, क्योंकि ये 24/7 काम करता रहता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आजकल सिर्फ चोर उचक्कों से बचने के लिए ही नहीं, या फिर एक्सीडेंट से ही बचने के लिए नहीं, हर चीज़ से बचने के लिए कैमरे की ज़रूरत हो गया है। और मेरे पास तो सिर्फ ये एक कैमरा है, मैं ऐसे दो कैमरे और मंगाना चाहता हूँ, वो मेरी पर्सनल नीड है। क्यों मंगाना चाहता हूँ, एक फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए, और एक कैमरा इन अंदर के लिए, मतलब केबिन के लिए, ताकि वो मुझे भी रिकॉर्ड करता रहे, क्योंकि इसकी क्वालिटी से मैं बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रेस हो गया हूँ। अच्छी क्वालिटी है, स्पेशली नाइट में। ये ऊपर इस तरीके का होल्डर है, ये GPS के साथ भी आता है, बिना GPS के भी आता है, तो मैंने GPS वाला लिया हुआ है, ज़्यादा बेटर है, और बिना GPS के भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, तो उसके अंदर ये आता है। तो आपको इसमें सिंपली इसको यहाँ लगाना है और ऐसे पुश करना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा। और इसको आप अपनी तरफ भी करके अंदर, मतलब इनर साइड में भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये देखो ये अंदर की तरफ भी लग गया, तो अगर आप अंदर की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और इसका थोड़ा बहुत अगर आपको एंगल भी सेट करना है तो इसका एंगल भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखो थोड़ा सा एंगल भी इसका अगर आप चाहें तो इसको नोब को ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ इसका कार चार्जर वाला पोर्ट भी आएगा, उसमें आपको ये वायर सेट करनी है, और एक तरफ से इसका कहाँ चला गया, इसका एक सिरा जो है, अच्छा इसी में सेट है, इसमें सेट करना है। ये देखो वो इसमें लगा ही हुआ है, ये देखो ऊपर वो उसमें लगा हुआ है, तो वो उसमें सेट करना है। फिलहाल मैंने ये निकाला हुआ है क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से मैं कहीं गया नहीं था, कुछ दिनों से, तो इसलिए मैंने निकाल के यहाँ लपेट के रख दिया था। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यों ज़रूरी होता है ये करना, वो मैंने आपको बताया। एक्सीडेंट होता है गाड़ी का तो आगे पीछे अगर कैमरा है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में हैं, या कहीं कोई झूठ बोल रहा है, किसी ने आपकी गाड़ी में ठोक दी है,
या बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप आगे वाली गाड़ी को दिखते हुए कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन पीछे वाला कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आपकी में ठोक देता है, आपकी गाड़ी अगले वाली में ठुक जाती है, तो अगले वाला जो है कहता है कि आपको फाइन देना है और पीछे वाला कहता है कि आपने ब्रेक क्यों मारा। तो आप ही दोनों तरफ से गलत बनाने की आपको ही कोशिश की भी जा सकती है और ऐसा होता भी है रियल लाइफ में। या फिर बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि आपके साथ ना हो किसी और के साथ है तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। वो भी मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाता हूँ, अचानक से हो जाते हैं, वो ये कैप्चर करता रहता है, वो भी 2.4K में और बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो यही मैं आपको आज बताना चाह रहा था। कोई और भी बात होगी इससे रिलेटेड तो मैं बता दूंगा, फिलहाल तो मुझे इतना ही याद आ रहा है कि यही सब चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी ये एक कैमरा हो गया, इससे सेटिस्फाई होकर मैं दो और ऐसे कैमरे मंगाऊंगा, एक बैक साइड के लिए और एक अंदर के लिए, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप आगे जो वीडियो आएगी, अभी इसी वीडियो में जो आगे फुटेज आएगी वो फुटेज होगी इसकी डे और नाइट फुटेज। ये अभी नाइट की फुटेज है, यानी कि नाइट की वीडियो फुटेज है, जहाँ पर कम्प्लीटली डार्कनेस है, दोनों तरफ जंगल है, रोड पे भी कोई स्ट्रीट लाइट रोड लाइट नहीं है, सिर्फ गाड़ी की लाइट में ही ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप देख लो कि कितना क्लियर वीडियो ये रिकॉर्ड करता है। और इससे आगे जो वीडियो आएंगी वो भी, उसमें भी एक दो वीडियो नाइट की होगी लेकिन उसके अंदर थोड़ी लाइटिंग कंडीशन होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि उस कंडीशन में भी कैसा काम करता है। और डे की वीडियो भी होंगी और उसमें उन्हीं की ऑडियो होगी, ताकि आपको पता चले कि ऑडियो भी इसका कैसा है। और अगर आप चाहते हैं कि DDPi मोला N3 का पूरा सेटअप कैसे होता है, इसमें क्या क्या आता है इसके साथ, वो सब भी आपको मैं बता दूँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। छोटे मोटे जंगल थे लेकिन अभी मतलब बड़े बड़े पेड़ वाले जो जंगल होते हैं ना वो स्टार्ट हो गया। GPS connected. ऐसे लगा दूं सीधा? अच्छा, ये वाला? हम्म, यही है बस, यही था। हाँ, या और भी आगे भी है? मेन तो यही है बोल रहा है, देखना अभी कितना घटा है। पहले इनको निकलने दो।